ये बताइए, जब बुजुर्ग माता जी कह सकती हैं इनको अनुभव नहीं होगा, जब ये कह रही हैं कि हो ही नहीं सकता है, फांसी लगा ही नहीं सकता है, और ये नाटक है, जब वीडियो को फोटो को देखिएगा ना जी, तो कहिएगा कि नाटक है, ड्रामा भी यहाँ के लोग ज्यादा जानते हैं। माता जी आपके ज्यादा अनुभव हुई, ये बताइए कि अगर फांसी कैसे लगा था, कि फांसी लगे मन की क्यों लटकैले नहीं, लटकावल लगा था, लटकावल लगा था, अपने से फांसी लगौले होता तो ई कसाय गए होता ना, जैसे अब मार के नी, मार के नी और लाल के लुग्गा से नी, यही में बनले हम, आई लुग्गा ऊपर का इतनी टंगल है। अच्छा, मार के लोग लटकैले हम, जंगला है ऐसा, वही जंगला में लड़का ऐसे ठेहुनिया के यही तरह बैठल है, उठना है, पूरा साबूत दे रहा है, हाँ पूरा साबूत दे रहा है कि वो बच्चा अपने से फांसी लगा ही नहीं सकता। मैं सचिन यादव जी के माता जी के पास पहुंच चुका हूँ, कुछ दिन पहले अब विधवा होती हैं, और आज का आप नज़ारा देख रहे होंगे, इनकी माता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अगर किसी का भी बेटा अगर चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के, और माता जी का रो रो करके बुरा हाल हो गया है, काफ़ी परेशान है, अगर किसी का बेटा चला जाए इस दुनिया से छोड़ के, बड़ी दुख होता है। बहुत कहा जाता है कि एक बहुत, तब चलिए हम इनसे मिलने की बात करें, कुछ जाने। माता जी आपको कब पता चला कि 9 बजे यहाँ से खा पी के गई ना, अब वहाँ पता चलन 6 बजे, हम यहाँ से फोन 10:30 बजे ले कही नहीं, मोबाइल उनकर चालू रहा, फिर और मोबाइल के जवाब उनका ना मिलल, फिर हम पटा गए, फिर 11 बजे कहनी तब वो चालू रहा, फिर ओकरे बाद मोबाइल उनकर स्विच ऑफ हो गए, तो हम थोड़ा सोचे नहीं कि सारा मीर का मेला है, लड़का अपन घूम टारत हो कतो, तो उसे हम अपन अगर तकर सूद गए नहीं, जब सुबह में उठानी फिर 5 बजल, तो हमार जो धक धक उड़े लगल कि लड़का आयल ना, कबो तो टिकत ना रहा, वहाँ वहाँ कबो रुकता ना रहना, तब यार वह लड़कन से कहे लगन कि कहो सचिन काहे ना आल, सचिन काहे ना आल, कहाँ हवे, तो दो लड़का यहाँ से गए ना, कहना दीदी तू परेशान मत हो, हम जाती पता लगा के आई ला, तब वो दो लड़का दुकान पर जब गए ना, तो वहाँ का पता कि सचिन यहाँ ना हवे, तो सब कहना बाइक यहीं खड़ी है, सचिन कहाँ आवत, कहा कि 12 बजे निकल गया, तो वो जब लड़का हमारे यहाँ आई ना, तो फिर वो लड़कन के जब फरिया ही ना, तो कुल फोन कही ना कि ढेर आदमी मत लेके वह 2-4 आदमी अब सचिन बेहोश हवा, इसको हॉस्पिटल में लेके जा, तो वो लड़कावा जब हमारी आए ना, तो कहना दीदी ऐसे ऐसे बात या, तो जब लड़कावा के साथ हवा हमारे जात रहा कमवा कर फरिया का, हम कहा निशन है कि वो लड़कावा से हमसे बात करावा, तो हमारे घर का लड़का बात करो ना, तो हम कहा नहीं भैया हमारे बाबू कहाँ हमें, कहना चाची तू टेंशन मत लो, तुहार बाबू दुमाल सुतल हमें, और डर के माले केहू जाता ना, हम कहानी कहाँ डेरा था, बात हमसे करावा, तो कहना बात ना कर पाइए, वो उनके भेजा लेके जाए दर दवाई के लोग, बस लड़का ही हमारे केस से भाग गए ना, हम चली गई नहीं, फिर सारा मीर था जहाँ काम करत रहा ना, अब वहाँ जाता है तो मार थाना पुलिस दरोगा सिपाही सब खड़ा है, अब वहाँ हमके गई नहीं, तो हमके कुर्सी पर लोग बाहर बैठा था ना, कहना उसका माँ आओ, हम कहानी हाँ कहाँ बैठा बैठा, हम कहानी हमारे भैया कहाँ से हमसे भेंट करावा लोगन, कहते ठीक है कौन बात ना हो, ऊपर सोवल हम अभी नीचे यहीं है घबरा जिंतु, हमके पानी पियावा, तो हमारे घर तक लड़कन के ना सब देखावा दान है ना, तो पुलिस थाना अपने कुल काम कैला, अपने पिकअप बुला लाला, अपने ला दिलाला, अपने आजमगढ़ लेके चली गए, हमारे उनके घर का लड़कन के कौनो जानकारिये ना भैल कुछ कनी, ये कुल भैया बाय हो। माता जी ये बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट वेल होकर कुछ जानकारी है आपके, अब हमारे लड़का कुल हुआ हमारे साथे साथे भैया हमके, माता जी कोनो दिक्कत, माता जी हम इस घटना से पूरी मीडिया की टीम दुखित है, आप परेशान न होइए, पूरी ये टीम जो देख रही है सभी लोग साथ रहेंगे, पूरा देश का मीडिया आपके साथ रहेगा, माता जी घबराना नहीं है, सत्य की जीत होगी। माता जी एक बात करना चाहेंगे, कुछ किसी से झगड़ा विवाद बीच में किसी से हुआ, कब ना कौनो बात है नहीं ऐसा, हमारा लड़का जब झगड़ो रगड़ो जब भैल हो, तो हमारी रानी है ना हमसे तो जरूर कुछ कहते हैं उन्हें, कभी नहीं कौनो बारे में नहीं, इतना बड़ा हमारे गांव पूरा कि उसे पूछ लिया जा। अच्छा आप इस समय अकेले हैं आपके? हाँ हम, पापा जी भी नहीं? नहीं वो भी नहीं है, हमारे एक लड़का 2 साल पहले वो भी गुजर गया,
आन के देश में आन के मुल्क में मजूरी धतूरी कह के हमारे गांव का भाई बाप लोग सब लोग सब हमारा स्थिति जानत है कैसे कैसे दूसरे के घर में द्वार में है ला एक बच्चा हुआ है और भी वह क्या मांग क्या करना चाहेंगे। योगी जी हैं जो लगातार इस समय मुख्यमंत्री हैं और लगातार जो हत्या कर रहा है जो लोगों से विवाद कर रहा है बिना मतलब का परेशान कर रहा है तो उसके घर के बुलडोजर ढहवा दे। हाँ उसको घर के ढहा दे उसको जेल जुलबाना हो जाए उसके फांसी लग जाए हमारा कहना ये है। और कुछ मांग करना चाहेंगे क्योंकि कमाने वाला तो बच्चा आपका वही था। हमके कुछ नहीं चाहेगा पैसे उसको पहले पहले ढाओ उसका पहले जान जाए तब हमको संतुष्टि मिलेगा। माता जी एक और हम बात कर चाहब दिनेश लाल निरहू के आप जाना थे भी हमें से पूर्व में सांसद और लान पहलवा तो फोटो वह ना ही है धर्मेंद्र यादव जी भी यहाँ से कई बार चुनाव लड़े के तैयारी कर धर्मेंद्र यादव के जाने ला उनसे कुछ मांग कर चाहब उनसे कुछ अपन परिवार खातिर अपने बेटे के न्याय खातिर कुछ कहल चाहब। अब हम का मांगी या ना उनकर ये चाहते लेकिन उनका अन्याय करा अब अपने बेटे खातिर का अब दुनिया संसार तो देखते पाए हमार अब हम का कहा तो लोगों से आप जाते हैं तो क्या देखते कुछ नहीं हम देखबे ना कहीं अपने लड़का का शकल ना देखा नहीं वहाँ पर हम के ना देखा ना सब ने आप देख नहीं पाए नहीं कुछ नहीं देख पाए वहाँ पर हम के बाहर बैठे हुए रहना जब वहाँ से लेके आवत हम लोग हम वो मट गिर गए नहीं उसके ऊपर हमके ठेल के सब पिकअप पल्ला दिलाना लाद के लेके चल गए ना नहीं अपने से हत्या कैले रहते तो हम कुछ विश्वास मानित ये नटई कसल रहत झूलल रहते हैं आप देखत हवा ना लोगन कि धरती में हाथ गोड़ सब कुछ है तो हम कैसे मान सके कुछ नहीं तनी भर बात नहीं है। अच्छा, क्या काम बाबू कर रहा था वहाँ पे वहाँ खाली लिखा पढ़े कंप्यूटर में करत रहा ना बस और कुछ ना काम रहा उनका दो साल से। अच्छा दो साल में कभी मुस्लिम परिवार से उन्हीं से जाकर के काम करता ना कभी झगड़ा बात विवाद कुछ नहीं उनसे कभी दुश्मन हम इतना तकलीफ पूछे नहीं कि बाबू उनके पास पलवार ही कि नहीं कारण ना उनका पलवार यहाँ माई ना रहती खाली एक बुढ़वा रहा और मजूर सा जो लेबर सेबर सब लोग रहा ला। कैसे बड़ा सोचे वाला विषय बाकी कैसे वो इंसान मार सकेला वो तो हम ना भैया जान पावत है कि इंसानों जो वहाँ फांस कौनो बात के मला हमसे चोरियो रही तो वहाँ फांसी तो लगाई ना उनके दो महल्ला पर बिल्कुल इतनी बड़ी बाग हमारे है सिवान है अपने घर पर आई वहाँ का एक फांसी लगाई। सुबह में कब जाते हैं सचिन यहाँ? नौ बजे जाता हूँ नौ बजे यहाँ आवा था मैं हाँ रोज वहाँ से सूचना आई करीब 10 बजे नहीं दिन में सुबह में हाँ दिन में आए। अब वहाँ सोचना यह आया कि जब दो लड़का हम भेजे नहीं वहाँ से तो लड़का पूछ के तला आप लौटिए ना आपिस आ गए ना तो वहाँ से फिर खबर आयल कि सचिन मिल गल हम दो महल्ले पर सुतल हम दो मनई अपने गांव के प्रधान लेके खा ले आवा इसको हॉस्पिटल ले जा सचिन मिल गए हैं उसका मतलब क्या गायब हो गए क्या पहले नहीं जैसे हमारे लड़कवा खोजे गए ना तो उस सब पहले बहाना कहे ना कि यहाँ पर ना हमें वो तो हमारा लड़का लौट है ना फिर वहाँ से फोन आयल कि सचिन हमें ऊपर हमें महल्ले सुतल हमें सचिन मिलल हमें। अच्छा माता जी एक थ्योरी जानकारी चाहिए हमने के जानकारी ये मिलल या गाँव का लोग अभी बतेला हम कि एप्लीकेशन आप देवन देले रहनी हो ऊपर कार्रवाई ना भले हमें का सच्चाई है अब वो मन कुछ नहीं सक कवन सच्चाई हम बताएं वो मन कवन जो आप प्रार्थना पत्र देले रहनी हो कुछ लोग कलन के फाड़ के फेंक दे हां फाड़ के फेंक गए वो अपने हां अपने मन से लिख के दिया ला। अभी लड़का भैया हम तो जात ना ही कहीं अभी लड़का ने से हमारे पूछे ला ये लोग लड़का हमारे बता दिए अब वो सचिन कहाँ हाँ देखिए माता जी लोग हैं और काफी चिंतित हैं लोग जी आप कौन हैं आपका नाम क्या पड़ेगा रीमा। अच्छा ये बताइए इस घटना की जानकारी आप लोगों को कब पता चला? बस वही जब वहाँ से बच्चे सब आए तो बोले कि सचिन वहाँ पर नहीं है तो बोल तो हम लोगों को यही पता चला फिर इसके बाद फोन आया कॉल आया जो इसके साथ वो लड़का सचिन रोज जाते थे मौर्या है ना फरिया का उन्हीं के साथ रोज जाते थे। अच्छा कभी किसी से झगड़ा बीच में नहीं
किसी से नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं थी कि वो किसी से अनबन करेगा। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो हत्या की साजिश है, ये क्या लगता है कि सच में मुस्लिम लोग ही कराए? हाँ, मुस्लिम लोग ही ने किया है। कैसे लग रहा है आपको? क्यों नहीं, फांसी का फंदा है, वो घुटना है, पूरा साबूत दे रहा है। हाँ, पूरा साबूत दे रहा है कि वो बच्चा अपने से फांसी लगा ही नहीं सकता है। अच्छा, चलिए बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे हम सवाल करते हैं, इनका ज्यादा अनुभव होगा हम लोगों से। जैसे अब मार के ने और लाल के लुग्गा से ने यही में बनले हम, आई लुग्गा ऊपर का इतनी टंगल है। अच्छा, मार के लोग लटकेले हम जंगला है, ऐसा वही जंगला में लड़का ऐसे ठेहनी आए के यही तरह बैठल है। ये माता जी आपके ज्यादा अनुभव हुई, ये बताएं कि अगर फांसी कैसे लगा था, कि फांसी लगेले हमन कि क्यों लटकेले? नहीं, लटकावल लगा था, लटकावल लगा था, अपने से फांसी लगौले होता तो ई कसाए गए होते ना, आई ऊपर ऐसे टंगला है यही में बजाए के, आई ऐसे ठेहनी आए कि ऐसा लड़का यही तरह बैठल है, यही तरह है। ये बताइए, जब बुजुर्ग माता जी कह सकती हैं इनको अनुभव नहीं होगा, जब ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है, फांसी लगा ही नहीं सकता है, और ये नाटक है, जब वीडियो को फोटो को देखिएगा ना जी, तो कहिएगा कि नाटक है, ड्रामा भी यहाँ के लोग ज़्यादा जानते हैं। इंडिया में ऐसे ऐसे लोग ड्रामेबाज होते हैं कि जब उनका सर देखिए, कहा जाता है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो छिपाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ऐसा लोग पुरनिया लोग कहे जाते हैं कि दिमाग तो सही लगाया लेकिन दिमाग असफल हो गया। कहा जाता है कि भगवान सब कुछ